हेलो दोस्तों, ये उषा मशीन है। इसका शटल घूम गया है तो मशीन टॉप मार रही है और ये सुई भी तोड़ती है मशीन, क्योंकि इसका शटल घूमने की वजह से मशीन सुई भी तोड़ रही है और धावा भी काट रही है बहुत ज़्यादा। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये जानकारी देते हैं कि मशीन टॉप क्यों मार रही है ये और ये सुई क्यों तोड़ रही है, क्योंकि इसका शटल घूम गया है तो वो भी हमें ठीक करना, कैसे करना है। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, अब मैं इसका सबसे पहले बूट खोलता हूँ। तो इसका बूट खोलेंगे, उसके बाद इसकी जो शटल घूम गया है उसकी वजह से मशीन जो टॉप मार रही है और ये धावा काट रही है वो देखते हैं हम। अब इसकी पटरी खोलते हैं, और ये मैंने इसकी पटरी भी खोल दी। अब ये पटरी खोलने के बाद इसकी नाल देखो, अब मैं इसके नाल को खोलता हूँ। इसका ये नाल भी खुल गया। आप जितनी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि मशीन शटल की वजह से टाप और धावा क्यों मार, धावा भी काट रही है टाप भी मार रही है, तो वो आप अच्छे से सीख जाओगे। और इसके दांते साफ करते हैं, बहुत सारी गंदगी फंसी हुई है, इसके दांते साफ हो गए। इसकी ये दांतों में जो मिट्टी फंस रही थी उसकी ये सफाई जरूरी थी करना। तो इसकी सफाई भी हो गई अच्छे से। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम डालते हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल जरूरी है, मशीन बिना ऑयल के सूखी चली हुई है ये। इसमें हम ऑयल डालते हैं सबसे पहले। आप जैसे मैं ऑयल डाल रहा हूँ, आप सब भी ऐसे ही ऑयल डालना मशीन में, जिससे कि हमारी सारी मशीन में ऑयल पड़ जाए अच्छे से। यहाँ से इसके लिंक में ऑयल जाता है, ये पैर गज की गोली है, ये सुई गज है, इसमें ऑयल डालो और यहाँ से इसकी जो कुंडी होती है इसकी गोली में डाल दो ऑयल, उससे क्या है कि हमारा लट्टू नहीं कटेगा जल्दी। इस पर डाल दो कुंडी के पे, थोड़ा ये होता है इसमें चिंता होता है इसमें। अब आपको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों, ये सुई है हमारी, इस सुई को ऐसे लगाएंगे हम, ये जो इसमें हम इसकी सुई कसता हूँ पहले, उसके बाद इसका जो शटल की सेटिंग आउट हो रही है वो सही करेंगे अच्छे से। मैंने ये टाइट कर दी। अब क्या है, इसकी जो पटरी है इसमें देखो, ये हमारी सुई टेढ़ी तो नहीं चल रही है, अब हमारी सुई सीधी है। अब इस पर कितनी सारी गंदगी है ये साफ करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। इसकी रिंग लगाते हैं इसमें, मैंने रिंग को लगाया। अभी इसकी पत्ती होती है, पत्ती को भी लगाओ। इसका शटल देख लो, शटल एकदम अच्छा है इसका। अब क्या कहना, इसका ये देखना है, पहले कसते हैं, उसके बाद इसकी जो टॉप जो शटल की कैरियर जो घूम गई है उसकी वजह से ये मशीन टॉप दे रही थी, अब वो सही करेंगे हम।
देखते हैं यहाँ तक सही है। आपको ये दिख रहा होगा कि कितना घुमा हुआ है, तो ये मशीन पन्ना नहीं ले पा रही है, इसका हमें आप घुमाना कैसे है, इसको हम ऐसे पलटते हैं। ये 2 रिंच लो, एक छोटी रिंच होती है एक बड़ी, इसको यहाँ फंसाओ, यहाँ फंसाओ, इसका हमारा झूला न टूट जाए। क्या गया इसका, अच्छे से आ गया ये राउंड, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। पटरी का सुराग भी खराब हो रहा है, तो एक ऐसी बनाओ पैनी, उसको ऐसे घुमा दो इसमें गोल गोल, उससे क्या है कि इसमें जो भी यहाँ से होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। और ये रेगमाल देके इसको हल्का सा साफ कर दो, कोई बाला हो तो वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों इसकी पटरी भी कस गई, अब हमें इसमें बूट लगा देते हैं, उसके बाद फिर इसकी सिलाई दिखाते हैं आपको, जो हमने काम किया इसमें वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी ये डिब्बी है, तो इसका धावा भी हमें देखना होता है कि अच्छा चल रहा है कि नहीं, धावा भी इसमें सही आ रहा है, तो ये डिब्बी लगा दी हमने इसमें। अब ये यहाँ तक सही है, अब इसकी सिलाई दिखाते हैं आप लोगों को, हम इसकी सिलाई देखते हैं। अब ये टॉप और धावा तो नहीं काट रही है, क्योंकि इसका शटल घूम गया था, वो मैंने आपको करके दिखाई दिया वीडियो में, कितनी अच्छी सिलाई आ रही है इस मशीन की, नीचे की भी आ रही है और ऊपर की भी अच्छी सी आ रही है एकदम। तो